ये कोरोना का जो प्रकोप आया है ये खत्म हो जाए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र को किसी की नज़र ना लगे, जैसा हमारे मध्य प्रदेश में नज़र लग गई लोगों की, जैसा महाराष्ट्र में किसी की नज़र ना लगे और शांतिपूर्वक ये कोरोना खत्म हो जाए। परसों कहा है बंद करने के लिए, पूरे सब घर पे रहेंगे, मोदी जी ने कहा है, इस बात पे क्या कहते हैं? देखो ये 5 बजे तक बंद रहना है, 45 बजानी है शाम को। ये जो प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है उस पर तो सबको ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे और दूसरे देशों में जैसे सैनिटाइजर सिटी बनाई जा रही है, महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ऐसे सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाए और इसके ऊपर जितना भी जल्दी से जल्दी इस पर रोकथाम हो, क्योंकि 140 करोड़ में अभी हमारे करीब 200 के करीब है और 20 लोग उसमें से स्वस्थ होके जा चुके हैं और कुछ 3-4 लोग जिनकी असामयिक मौत हो गई है, उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी परिवार पे ऐसी विपदा ना आए। हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय मुंबई के अध्यक्ष आदरणीय एकनाथ गायकवाड़ जी, हमारे नेता जो मुंबई के नहीं पूरे इनके जो पूरे महाराष्ट्र के नेता है, जो हमारे कामगारों के नेता है, हमारे सम्माननीय भाई जगताप जी, उनके आदेश अनुसार हमने आज ये मास्क बांटअप किया है। और जो जन्मदिन में पहले किधर बड़े उस पर नहीं मनाता हूँ, हमने टाटा मेमोरियल में कार्यक्रम किया है, जो मेरा सुबह का दिनचर्या रहती है, तो वहाँ पर हमें बोल दिया गया कि भाई आप अंदर मत आना, तो हमने उनको सुबह नाश्ते वगैरह का सब कार्यक्रम करके दिया है। तो मैं फिर से भगवान से दुआ करता हूँ कि ये कोरोना जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हमारे देश से ही नहीं पूरे विश्व से चला जाए। कोरोना की बात हो रही है, सिंगर एक है कनिका कपूर करके, वो देखा आई है, उन्होंने पार्टी बनाई, कई लोगों को साथ मिली है, उसका आपसे क्या राय चाहिए? देखिए मैं तो बताना चाहता हूँ, वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनका जो स्क्रीनिंग हुआ था वो भी मेरे ख्याल से, जो मैं जितना पढ़ रहा हूँ, जितना टीवी पे दिखा रहे कि उन्होंने स्क्रीनिंग कराया नहीं, और उन्होंने ये जो किया है वो गलत है। और वो राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी उनके साथ में है और बहुत सारे ऐसे 200-300 है। मैं चाहता हूँ कि भगवान ऐसा ना करे कि सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। तो ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, एक सलम का एक कम ऐसा वो इंसान को शायद अपन देख सकते हैं, लेकिन ऐसे पढ़े लिखे लोग अगर इस प्रकार से गलती करेंगे तो हम लोग को इसमें बहुत तकलीफ आएगी आगे आगे। ऐसा अगर मैं चाहूँगा कि किसी को भी अगर कोई भी इंसान को अगर ऐसा आता है तो तुरंत उसे अपने इलाज के लिए जाना चाहिए, और इस प्रकार से वो छुपा छुपी का खेल खेल के 200-300 लोगों के बीच में कंटिन्यू उन्होंने 3-4 पार्टी की, उसका मैं तहे दिल से उनका विरोध करता हूँ कि ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए। आखिर में क्या मैसेज देंगे कोरोना के लिए, खास क्या मैसेज लोगों से, क्या अपील करेंगे? बस मेरी यही अपील है कि कोरोना से डरे नहीं और सावधान रहे, इसको इतना इग्नोर भी ना करें, अपने घरों में रहे, जरूरी हो तो घर से निकले वरना घर में रहे। खासकर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सफाई कर्मचारी की तरफ से आता हूँ, और आज देखिए इस पूरे हिंदुस्तान में 4 लोग बाहर हैं, सबसे पहले डॉक्टर, उसके बाद में हमारे पुलिसकर्मी और तीसरे नंबर पे हम लोग जो सफाई कर्मी हैं। सब लोग को छुट्टी मिल सकती है लेकिन सफाई कर्मी को छुट्टी नहीं मिल सकती, इसलिए मैंने कल से वादा किया है कि जितने भी हमारे बस्तियों में सफाई कर्मी हैं मैं उनको मास्क और सैनिटाइजर देने जा रहा हूँ। और मैं अपील करूँगा जो प्राइवेट सोसाइटियों में मेरे समाज के लोग काम करते हैं, उनसे अपील करूँगा कि आप लोग हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा कर रहे, हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए आप उन्हें सैनिटाइजर दे, उन्हें मास्क दे, और एक सुरक्षित तरीके से आप भी रहे ताकि वो लोग भी रहे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो मेरी समाज के लोग, जो लोगों को अपनी जान को हथेली पे रख के जो लोगों के लिए साफ सफाई का काम, उनको बचाने का काम करते हैं, ऐसी पूरी समाज को मैं तहे दिल से उनका नमस्तक होता हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी को भी इस कोरोना से दूर रखें। और मैं लोगों से फिर से एक बार अपील करता हूँ, भीड़ भाड़ ना करें, अपने एरिया में सुरक्षित रहे, घरों में सुरक्षित रहे, और कोरोना को दूर भगाने के लिए हमें
तुरंत अगर किसी भी प्रकार का अगर हमें कुछ उसके अंदर इफेक्ट दिख रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। धन्यवाद।